बच्चों सुप्रभात। हम दसवीं हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी में पढ़ रहे हैं क्षितिज भाग दो का काव्य खंड तीन, देव। देव यह एक सवैया और कवित्व है इसमें, और इसके कवि हैं देव। तो चलिए शुरू करते हैं हम। अब हम पढ़ते हैं ये जो सवैया और कवित्व है, इसके कवि देव हैं, और इन देव का जीवन परिचय देखते हैं कि हिंदी की ब्रज भाषा काव्य के अंतर्गत देव को महाकवि का गौरव प्राप्त है। क्या है? हिंदी की ब्रज भाषा काव्य के अंतर्गत देव को महाकवि का गौरव प्राप्त है। और उनका पूरा नाम देवदत्त था। इनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था, और ये प्रतिभा में बिहारी भूषण मतीराम आदि जो समकालीन कवियों से कम नहीं थे, वरन कुछ बढ़कर ही सिद्ध होते हैं। फिर भी इनका किसी विशिष्ट राज दरबार से संबंध न होने के कारण इनको वैसी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हुई। इसके कारण इनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती थी। देव के काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 52 से 72। उनमें से रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास और काव्य रसायन प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। देव रीतिकालीन कवि थे। रीतिकाल का संबंध दरबारों व आश्रयदाताओं से बहुत ज्यादा था, जिस कारण उनकी कविताओं में दरबारी व राजसीय संस्कृति का प्रमुखता से वर्णन है। देव ने इनके अलावा प्राकृतिक सौंदर्य का भी अपनी कविताओं में प्रमुखता से शामिल किया है, और शब्दों की आवृत्ति का प्रयोग कर उन्हें सुंदर ध्वनि चित्र भी प्रस्तुत किए हैं। अपनी रचनाओं में वे अलंकारों का भरपूर प्रयोग करते थे। अब हम आगे देखते हैं कि जो सवैया कवित्व है, इसका परिचय देखते हैं कि क्या। तो यहाँ संकलित कवित्व और सवैया, बच्चों एक बात बता देते हैं कि सवैया और कवित्व छंद होते हैं, इनको एक छंद माना जाता है, और कवित्व को साधारण रूप में कविता भी कह सकते हैं। तो कवित्व और सवैयों में एक ओर जहाँ रूप सौंदर्य का आलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की जो अंतरंग जो मनोभावनाएं हैं कवि की, उनकी भी अभिव्यक्ति। पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित्व में बसंत को बालक रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ संबंध की अभिव्यक्ति को, या तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की सुंदरता का वर्णन किया है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देवदूत में फैन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। अब हम देखेंगे कि अभी जो हम कवित्व और सवैया पढ़ेंगे उसका सारांश। तो पहला जो कवित्व है, या बसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन कराता है, और उसमें कवि ने एक नन्हे बालक की संज्ञा दी है। जो बसंत ऋतु है उसमें कवि ने एक छोटे से बालक की संज्ञा दी है कि बसंत के लिए किसी पेड़ की डाल का, बसंत के लिए किसी पेड़ की डाल का पालना बना हुआ है, और उस पालने पर नई पंक्तियों का बिस्तर लगा हुआ। बसंत ने फूलों से बने हुए कपड़े पहने हैं, जिससे उसकी शोभा और ज्यादा बढ़ गई है। पवन के झोंके उसे झूला झूला रहे हैं, मोर तोते उसके साथ बातें कर रहे हैं, कोयल भी उसके साथ बातें करके अपना मन बहला रहे हैं। ये सभी बीच बीच में तालियां बजा रहे हैं। फूलों से पराग की खुशबू आ रही है, जैसे कि घर में बूढ़ी औरतें राय और नमक से बच्चों की नजर उतार रही है। बसंत तो कामदेव के सुपुत्र है, जिन्हें सुबह सुबह गुलाब की कलियां।
एक कवि ने चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन किया। चांदनी ऐसे बिखर रही है जैसे स्फटिक मणि के प्रकाश से धरती जगमगा रही हो। चारों ओर सफेद रोशनी ऐसे लग रही है जैसे कि दही का समंदर बह रहा हो और प्रकाश दूर दूर तक सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा। ऐसा लगता है कि पूरे फर्श पर दूध का झाग फैल गया और उस फेरनी में तारे ऐसे लग रहे जैसे कि तरबाई की अवस्था वाली लड़कियां सामने खड़ी हो। ऐसा लगता कि मोतियों की चमक मिल गई हो जैसे बेल के फूल को रस मिल गया। पूरा आसमान किसी दर्पण की तरह लग रहा है जिसमे चारों तरफ रोशनी फैली हुई है और इन सब के बीच पूर्णिमा का चांद ऐसे लग रहा है जैसे आसमान रूपी दर्पण में राधा का प्रतिबिंब दिखता है। अब तीसरे सवैये में कवि देव ने श्री कृष्ण के राजसी रूप का वर्णन किया और यहाँ पर कवि देव का कहना ही कृष्ण के पैरों की पायल है वह मधुर धुन सुना रही है और उनके जो कमर में उन्होंने करधनी पहन रखी है उससे उत्पन्न होने वाली धुन भी कानों को बहुत मधुर लग रही है। उनके सांवले शरीर पर पीला वस्त्र लटका हुआ है और उनके गले में वनमाला एक प्रकार की जो फूलों की माला होती है वह बहुत ही सुंदर लग रही है। उनके सिर पर मुकुट सजा है। राजसी मुकुट के नीचे उनकी जो चंचल नेत्र हैं वह बहुत ही ज्यादा सुशोभित हो रहे हैं। उनके मुख को कवि देव ने चंद्रमा के रूप में जो कि उस अलौकिक आभा का प्रमाण है। श्री कृष्ण के रूप को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे संसार दीपक के समान प्रकाशित है और समस्त जगत को अपने ज्ञान की रोशनी से उज्ज्वल कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर पहला सवैया है इसका वाचन करेंगे। मैंने पहले भी बोला है कि वाचन करने से जो हमारे उच्चारण की अशुद्धियां होती हैं, जो गलतियां होती है दूर होती है। तो पायनी नुपुर मंजु बने कटे किंकिनी के धुन की मधुराई सावरे अंग लसय पटकी हिय हुल से वनमाल सुहाई माथे की रीत बड़े दृग चंचल मंद हसी मुख चंद जुनहाई जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूलह देव सहाई। अब हमने यहाँ पर वाचन किया। अब हम जो इस पद में कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थों को देखेंगे कि पायनी का मतलब होता है पैरों में, नुपुर का अर्थ होता है पायल, मंजु मतलब सुंदर, कटी कमर, किंकिनी करधनी पैरों में पहनने वाला आभूषण, ध्वनि का अर्थ होता है ध्वनि, मधुराई सुंदरता, सांवरे सांवरे अंग का होता शरीर, लसे का सुशोभित सुशोभित, पट का वस्त्र पीत का पीला, ये मतलब हृदय पर फुल से प्रसन्नता से विभोर खुशी से उत्तोर, किरीट का मुकुट और मुख चंद्र मतलब मुख रूपी चंद्रमा। अब हम व्याख्या देखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि देव ने कृष्ण के सुंदर चरित्र का वर्णन किया है। कृष्ण के पैरों में घुंघरू और कमर में करधनी है जिसमें मधुर ध्वनि निकल रही है। उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र और गले में जो वैजयंती माला वह बहुत ही सुशोभित हो रही है। उनके सिर पर मुकुट है तथा आंखें बड़ी बड़ी, उनके चंचल नेत्र उनके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट है जो चंद किरणों के समान सुंदर है। ऐसे श्री कृष्ण जगत मंदिर के सुंदर दीपक है और ब्रज के दूल्हा प्रतीत हो रहे हैं। अब हम दूसरा कवित्व देखेंगे, वाचन करेंगे इसका कि दार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी।
पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे पुलसावे कर तारे, पूरित पराग सो उतारो करई रायनो, कंज कली नायिका लतान सिर सिर सारे, मदन महीप जो को बालक बसत तारे, पाता ही लग जगावत गुलाब चटकाम। तो इसके कठिन शब्द है ध्रुव मतलब पेड़, सुमन जिंगोला मतलब फूलों का झूला, जिंगोला मतलब झूला, के की मोर कीर तोता, आप यहाँ इधर पिक्चर में भी देखेंगे, हलवे हुल सारे बातों में मिठास, उतारे करे कोई राई नो, कि जिस बच्चे को नजर लगी वो उसके सिर के चारों ओर राय और नमक घुमाकर आग में जलाने का टोटका है, जिससे नजर उधर उतारी जाती है। कंज कली कमल की कली, चटकारी का अर्थ होता है चुटकी। अब यहाँ पर इसका अर्थ या व्याख्या लीजिए कि इन पंक्तियों में कवि ने वसंत के आगमन की तुलना एक छोटे बालक से की, और बालक छोटे बालक से वसंत की तुलना करते हुए कवि कहते हैं कि प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों के उस रूप को दिखाया गया है। कैसे दिखाया, कि जिस तरह परिवार में किसी नए बच्चे के आगमन पर सबके चेहरे खिल जाते हैं, उसी तरह प्रकृति में बसंत के आगमन पर चारों तरफ रौनक छा जाती है, हरियाली छा जाती है। प्रकृति में चारों ओर रंग बिरंगे फूलों को खिला देकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति राजकुमार बसंत के लिए रंग बिरंगे वस्त्र तैयार कर रही है। तो चारों तरफ क्या होता है, सुंदर सुंदर फूल खिल जाते हैं, हरियाली हो जाती है। वैसे ही जैसे घर के लोग बालक को रंग बिरंगे वस्त्र पहनाते हैं, पेड़ों की डालियों में नए नए पत्ते निकल आने से वो झुक जाते हैं, और जो हवा धीरे धीरे चलती है उसके झोंके से डालियां ऐसे गिनती झुकती हैं जैसे कि घर के लोग बालक को झूला झुलाते हैं। क्यों, क्योंकि इस समय क्या है, पेड़ों पर नई नई कलियां और पत्तियां आ जाती है। बागों में कोयल तो कामों आदि विभिन्न प्रकार के पक्षियों की आवाज सुनकर ऐसा लगता है मानो वे बालक बसंत के जी बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, और घर के सदस्य अपने अपने तरीके से विभिन्न प्रकार की बातें या आवाजें निकालकर बच्चे को बहलाने का प्रयास करते हैं। और कमल के समान फूल भी यहाँ पर यहाँ वहाँ अपना सुगंध बिखेरते हुए नजर आते हैं। वातावरण में सभी दिशाओं में सभी तरह विभिन्न प्रकार के फूलों की सुगंध इस तरह व्याप्त है जैसे कि घर में बड़ी बूढ़ी जो महिलाएं होती हैं, बंगाल और नमक से बच्चों की नजर से छुटकारा दिलाने का टोटका करती है। वसंत ऋतु में सुबह सुबह गुलाब की कली चटक कर फूल बनती है, ऐसा जान पड़ता है जैसे बालक बसंत को बड़े प्यार से सुबह सुबह जगा रहे, जैसे घर के सदस्य बच्चों के बालों में उंगली से कंघी करते हुए कानों के बाद धीरे से चुटकी बजाकर बड़े प्यार से जगाते हैं ताकि वह रोने ना लगे। तो इस तरह कवि ने बसंत की तुलना एक छोटे बच्चे की से की है। तो इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, नोट करेंगे और याद करेंगे।